आज भी मैं, मतलब दर्द के कारण एकदम करा रहे थे। अरे अरे 24 रात तो मैं सोया नहीं, चौबीस राम। मैं सही सूख गया ना देख। एकदम शरीर का वो देख रहा हाँ हूँ वो एकदम आप आ गए परिचित। मालूम मेरे आपकी को। एकदम करुणामयी आवाज लगती थी, एकदम मन भावुक हो जाता था। महाराज कैसे रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, जल्दी जाए कोई मिले, ऐसा देवी एकदम देवता मन। नहीं, कोई ऐसा देवी देवता नहीं था जो बच्चे लोग उठा रखे हो। लड़का रो पड़ा तो अच्छा, ओहो, बहुत कष्ट पा गया उस, अरे कष्ट राम तो अरे कष्ट राम। तो कष्ट होता है। हाँ हाँ, राइट कह रहे हैं तो जी बस मान लो बला कट गई। आप आ गए, आज जी मेरा दिल पुकार रहा था। नहीं, एकदम मन एकदम तड़प रहा हाँ था ठीक है, यही बस आ गए, से। मेरा पेट भर गया बस बस। राधे राधे बाबा जी। जी, आज 40 दिन हो गए। हाँ अरे हम क्या करें, बाहर थे हम उठे। जी हाँ, नहीं यही ठीक है। एक्चुअली कई जगह अयोध्या और कई जगह लगा कार्यक्रम लगा हुआ था, इसलिए जो है। हाँ सबसे जी, नहीं तो आने के लिए तो एकदम मन कचोट रहा था। बार बार आप कह रहे हैं एकदम मन तड़प है, कब मैंने जाए। आज हाँ भी लगा। देखो ऐसा कब है, जाए एक एक बात सुनिए। जी। मैं तो ज्यादा कुछ जानता बूझता नहीं, मैं तो सीधा सीधा एक के नाम जानता हूँ, राम नाम। जी, कभी कभी ऐसा है कि कावड़ा में वीर रस आ जाता है। वीर रस आ जाता है। हाँ जैसे जी, उस समय रामा दल में सब लोग रो रहे थे, तो हम भी आज 40 दिन हो गए जो मैं आज जबल स्नान किया हूँ और आज बैठा हूँ ये मान लो। अच्छा। बहुत बहुत कम से कम 10-12 हजार तो पार कर दिया। दवा तो खानी पड़ेगी। तबीयत गड़बड़ चल रही थी, मतलब आज भी मैं, दर्द के कारण एकदम करा रहे थे। अरे अरे 24 रात तो मैं सोया नहीं, चौबीस राम। मैं सही सूख गया ना देख। एकदम शरीर का वो देख रहा हाँ हूँ। वो बिल्कुल बच गया है मान लीजिए। पुण्य के जल पाताल में, पाप के जल अस्पताल में, पापी नहीं था पुण्य। 35 रुपए की एक गोली आती है और जी एक 10 रुपए की, 45 रुपए की एक खुराक खा लियो, एक खुराक रखती है। अरे जी परेशानी में सब घाटे घाटा तो घाटा होता ही। है। हाँ, जब कभी आ कुल जाता है परेशानी तो फिर एकदम मिला के निकलते ही निकलता परिचति हो रहता है। सकती हाँ, बहुत है। तो कठिन आप आ गए परिचर्या। मालूम मेरे आपकी को। एकदम करुणामयी आवाज लगती थी, एकदम मन भावुक हो जाता था। महाराज कैसे रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, जल्दी जाए कोई मिले, ऐसा देवी एकदम देवता नहीं, मन। कोई ऐसा देवी देवता नहीं था जो बच्चे लोग उठा रखे हो। लड़का रो पड़ा तो अच्छा, ओहो, बहुत कष्ट पा गया उस, अरे कष्ट राम। तो कष्ट होता है। हाँ हाँ, राइट कह रहे हैं तो जी बस मान लो बला कट गई। आप आ गए, आज मेरा जी दिल पुकार रहा था। नहीं, एकदम मन एकदम तड़प रहा हाँ था ठीक है, यही बस आ से। गए, मेरा पेट भर गया हाँ, बस इनसे भी बात हो रही है वो कि बस। महाराज जी को चलना है, चलना है जैसे भी। बहुत तो बहुत अच्छा लगा। एकदम वो रहता। अच्छा, कभी आप इतने वेदना से, कभी इतने पीड़ा से, कभी आपने कहे ही नहीं। और बार जीवन बार में जब पहली बार मैं इतना कष्ट पाया। मैं इतना ये सोच रहा था, जी। देखो ऐसा है, जो लोग प्रारब्ध कहते हैं तो जी ये पिछला जो प्रारब्ध है ये कर्म शेष रह जाता है, जी वही जी प्रारब्ध है। वही है प्रारब्ध। जी, और हर चीज को काटने के लिए सिर्फ भगवान विष्णु का ही मंत्र है, राम मंत्र नाम। वही जब हम दिल में प्रकाश करेंगे तो अपने आप हर लाइन सफा हो जाएगी। जी। और वही जब प्रकाश हटा लेंगे दुनिया की बीमारी। एकदम मन करे कि अब कब चलें, कब चलें, बड़ा कब अच्छा चलें। किए। और कई बार तो आंखों में आंसू आ जाए कि अरे कैसे आप नहीं, कर पा तकलीफ रहे हैं। ज्यादा थी, तकलीफ हाँ, ज्यादा थी। बहुत एकदम। अब जब तो आप भी तो चाहे, अरे बा आनंद है, जी। आनंद है, आनंद है, आनंद है। अच्छा, करने धरने भागना दौड़ना आप ही का। मैंने कहा आप ही अगर बैठ जाओ, आप ही अगर चलना फिरना ना हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैया का तो मतलब वैसे ही रहता है कि मतलब वो एकदम नहीं चलना फिरना हो पाए, और आप जो है हो रहे हैं तो फिर नहीं, कैसे खाने वो का पीने का सबका। संस्कार ही वो बिगड़ गया था यार, जी वो तो बहुबारी ठीक हो गई। हाँ, नहीं, ये तो है कि ठाकुर कभी कभी परीक्षा ऐसी लेता है कर कोई रहे। हाँ, फिर वो परीक्षा में जो है। भी दवा ऐसा नहीं किया, पूरा अटल्ला खोद के हम रख दिए। एक जी, एक दिन में 1800-1800 की, 2000 की दवा लाए, लेकिन कोई दवा असर नहीं किया। असर नहीं करी।
तो जब नींद आती थी तो रात में कोई करवट से तो दर्द न रुकता था, जी तो अंत में एक ही मंत्र बचता था, राम। तो जब राम कहो ना तो करह में जब आवाज निकलती है तो उसी वही एक मंत्र बनता था सो जाने के लिए। जी मतलब राम मंत्र से ही सोना हो पाता था, नहीं तो बाकी कोई विकल्प, कोई रोटी नहीं खाता था, चाय रखी 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 दवा खाता था, चाय भी पीना मुश्किल हो गया था, आज भी बैठ के नहीं खा पाता, पड़े पड़े जाते था। अरे राम, 90% सही है ये, मान लीजिए आप आ गए तो जहाँ आ गए, आप आ गए बस यही सबसे बड़ी दौलत है ये। नहीं नहीं हाँ, मैं बस आप आ गए बस, उसके आ जाने पर उसको जीवन दान मिल गया था, मुझे भी मिल गया, मैं आपको पुकार रहा था आत्मा से। नहीं बस सही, मैं आपको पुकार रहा था। ना 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 ना, अरे देखो ऐसा है, नहीं 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 देखो पता नहीं किसके अंदर कितनी शक्ति भरी है इसे कौन जानता, नहीं ये तो कोई नहीं जानता, सबके अंदर तो राम है ना। जी है जी, कितने प्रधानमंत्री बन गए राम मंदिर न बना पाए, नहीं बना पाए, कितने बन गए और क्या, तो खफी की बहुत एकदम सत्य बात बोली मोदी ने, कसम खाई थी। अच्छा आप, हम बैठे हैं, आप बैठे हो, आप बैठे हो जी, अगर इस जगह भगवान विष्णु मिल खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए तो क्या, हाँ, लेकिन क्या कहेंगे आप, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। नहीं तो फिर तो मैं कह दूंगा कि भगवान बस मेरे जीवन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। अरे खत्म हो गया, अब तुम अपने में विलीन कर लो। जी जी बस वही विलीन कर गया जी, तुम बहुत बड़ी सत्ता कायम करी, बहुत बड़ी सत्ता कायम की, इतना बड़ा मतलब हम लोग के लिए अवसर दे दिया, वो अद्भुत है और बहुत बड़ा। ये मीडिया जो है देश का चौथा खंभा है जी, सबके स्थान बदल जाएंगे लेकिन ये कभी बदलता है, ये अचल अहेरी है, ये कभी बदल नहीं जी जी जी, ये नहीं बदल सकता ना, इसकी गरिमा कभी कम हो सकती है, ये अचल चीज, लेकिन काम उसने किया। अच्छा जब ये प्रधानमंत्री बना था तो हम लोगों का विभाग है उज्जैनिया खूनी नागा जो होते हैं, जितने नागा होते हैं जब कोई काम नहीं ठीक होता तो नागा जाते, नागा जाते हैं जी, तो वही विभाग है हमारा जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो नागा विभाग ने कहा कि तुम्हारे बस का हो तो मंदिर बनाओ, तो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और नहीं तो पीछा, तो मोदी ने वचन दिया था। अच्छा, वचन संतों के बीच में, हाँ बहुत शुरू की बात है जी, शुरू के तो सबने पहले ही तो कह दिया था कि मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी जी आएगा। और अभी भी आएगा जी, तो संतों के बीच में पहले ही वचन दे दिया कि राम मंदिर को हम जो है बनवाएंगे, और वो संकल्प को देखिए पूरा उन्होंने किया अपने दृढ़ संकल्प के साथ, जो असंभव था, बहुत मुमकिन नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने पूरा किया। का मुलायम सिंह होता तो संभव होता जी जी, ना ना ना, कहाँ होता तो हो गया, राइट कर रहे हैं जी जी, उसने काम बढ़िया किया जी जी जी। मैया कैसी हो? हाँ सब आनंद है, राधे राधे प्रणाम, आनंद है सब, आराम चल रहा है? अरे बिल्कुल वही पूरा देश है। हाँ हाँ जी, देखिए ये जी 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 ये मैया जी की वही कुटिया है, मैया जी हैं, बाबा जी हैं जहाँ हम लोग आते हैं, और बाबा जी अस्वस्थ हैं, बहुत बीमार थे, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से बच गए, नहीं तो बहुत मुश्किल था, स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था। ये कुटिया बाबा जी की आप सब देख सकते हैं, यहीं पे रहना, चाहे यमुना मैया कितना भी आ जाए, दुनिया हट जाती, लेकिन बाबा जी यहाँ से नहीं हटते। तो इस समय बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ने और राम जी की कृपा ने सब अच्छा किया सारा कुछ। और कभी कभी बाबा जी बता भी रहे हैं कि बहुत बड़ी तपस्या, साधना और परीक्षा होती है, और भक्त की खासकर परीक्षा बहुत ज़्यादा होती है। उस परीक्षा में कई बार होता है मन डिगने लगता, डूलने लगता, लेकिन बाबा जी ने कहा कि बस राम जी का नाम लेते थे, एक करवट बदलते थे, बस ठाकुर जी का नाम लेते ही जो है दर्द दूर हो जाता जी। पकड़ा करके झोल डाल ले जाने की कोशिश करता था, मैंने कहा नहीं, अच्छा यहाँ मैं घसीट के झोल डाल जाऊंगा, वहाँ घसीट के गिरते पड़ते, उल्टी खाते, जमुना नहा के निकल के आता था, लेकिन क्रिया बंद नहीं किया जी। देखिए इतने अस्वस्थ होने के बाद भी यमुना स्नान करना और जी इतना मतलब चलना भी मुश्किल होता था, घिसट घिसट कर चलते थे, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, यमुना मैया का स्नान करना, पूजन करना, ये तो एक संत की का जो संकल्प होता है वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो पूर्ण करते हैं, और महाराज जी ने वही पूर्ण किया। मैया भी बहुत अस्वस्थ, लगातार सेवा करना, लगातार जो है उनके देख रेख करना, और जब महाराज जी अभी
अस्वस्थ हो गए, घिसटने तक की स्थिति महाराज जी की भी ऐसी बनी। लेकिन महाराज जी ने पूरा अपना स्नान, यमुना जी स्नान करना, पूजा अर्चन करना, सब कुछ करें। तो यही संतो महाराज जी का त्याग, तपस्या, संकल्प होता, इसी के कारण हम लोग की दुनिया बची हुई है। हम लोग को भी चाहिए कि पूज्य महाराज जी के चरणों में आकर सेवा करना, उनको उनका जो है दर्शन करना, उनको दंडवत करना, ये हम सब की सनातन परंपरा है। देखिए जंगल में हैं सब कुछ छोड़कर, तो किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। जब भी पूज्य महाराज जी के पास आ जाइए तो बस मंगल कामना, चेहरे पर मुस्कुराहट, ना कुछ लेना ना देना, लेकिन ऐसा लगता है सारे संसार की खुशियां मिल गई। बैठ जाइए तो बस महाराज जी कहते हैं कि कुछ भी अब हमें नहीं चाहिए, बस आ गए तुम तो हमें सब कुछ मिल गया। तो इतना प्रेम, इतना भाव आज रिश्तेदारों में नहीं है, परिवार में नहीं है, जो महाराज जी के पास आकर मिलते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जहां पर भी रहें, जिस जगह पर भी रहें, पूज्य संत महाराज जी की सेवा जरूर करें। यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ पर भी आइए, यमुना जी के किनारे एकदम पूज्य महाराज जी हैं, यहाँ पर उनकी कुटिया है। बहुत बहुत, बहुत।